हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आपको गर्भधारण हुआ है या नहीं, यानी कि आपके अंदर बच्चे का इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं, वो आपको कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कितने दिनों बाद इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद आपके बॉडी में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा इम्प्लांटेशन वहाँ पर हो गया है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूलेशन क्या है और कौन से दिन पे आपके अंदर ओव्यूलेशन हो सकता है। ओव्यूलेशन यानी कि आपकी ओवरी में से एक को रिलीज होने की प्रोसेस, और यदि आपकी साइकिल नॉर्मल होगी 30 डेज की होगी तो मिड साइकिल यानी कि 12-15 डेज के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो वो अंडा है वो ट्रैवल करके आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचेगा और वहाँ पर वो दो ही दिन जिंदा रहता है, उसके बाद वो अपने आप बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है। यदि ये दो दिनों के बीच में आपने रिलेशन रखा है तो स्पर्म वजाइना से असेंड कर आपकी फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचेगा और वहाँ पर आपका एग फर्टाइल होगा। अब ये जो फर्टाइल एग है वो अभी आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही रहेगा और फिर वहाँ पर उसका ग्रोथ होगा। एक में से दो सेल्स, दो में से चार, चार में से आठ, इस तरह से उसका ग्रोथ वहाँ पर होगा और ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये प्रोसेस में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तब तक आपका बच्चा ओव्यूलेशन के बाद 8 या 10 दिन आपका बच्चा फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, उसके बाद वो ट्रैवल करके नीचे आपके बच्चेदानी में आता है। अब बच्चेदानी में वहाँ पर उसका बेड तैयार होता है यानी कि एंडोमेट्रियम तैयार होता है आपके बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए। तो 8 या 10 दिनों के बाद वहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, जब बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा तो आपके एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वहाँ पर थोड़ी सी वो खड्डे जैसा बनाएगा, तो उसकी वजह से आपको कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम हो सकता है कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगा, आपको माइल्ड स्पॉटिंग जैसा फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम हर एक लेडी को फील हो, 20-30% केसेस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। चलो, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुआ तो आगे कौन से सिम्टम होंगे जिससे आपको पता चलेगा। जैसे ही वहाँ पर बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद तुरंत ही बॉडी HCG नाम का हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगी। अब ये HCG हार्मोन क्या काम करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ाएगा। ये ब्रेन को ऐसा संदेशा देगा कि प्रोजेस्टेरोन लेवल और बढ़ाओ क्योंकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो विड्रॉल ब्लीडिंग यानी कि मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा और इम्प्लांट हुआ बच्चा भी मेंसेस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन लेवल की मात्रा आपकी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ेगी ताकि बच्चा वहाँ पर चिपका रहे, उसको ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता रहे और प्रेगनेंसी आपकी इजीली आगे बढ़ती रहे, वहाँ पर मिसकैरेज ना हो जाए। तो ये HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन की मात्रा आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में और सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपको चक्कर जैसा फील होगा, जी मचलाएगा आपका, आपको नोज़े वोमिटिंग स्टार्ट हो सकता है, फिर आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, मूड स्विंग हो सकते हैं। ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम भी इम्प्लांटेशन के बाद आप फील कर सकते हैं। कई सारी लेडीज़ ऐसी होती है जिसको इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद यानी कि पीरियड मिस नहीं होता, उसके पहले उसको पता चल जाता है कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाएगी, ये सारे सिम्टम उसको फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे सिम्टम के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपको प्रेगनेंसी रुके है या नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक लेडी में ये सारे सिम्टम देखने को मिले, क्योंकि सिम्टम की इंटेंसिटी, कितने सिम्टम है ये हर एक लेडी में अलग अलग है। वुमन की कितनी सेंसिटिविटी है, उसके अंदर कितने हार्मोन की मात्रा है, सिम्टम उसके अनुसार चेंज होते रहते हैं। यदि आपको ये सारे सिम्टम भी फील नहीं होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। तो जब मैंने बोला कि इम्प्लांटेशन के बाद आपकी बॉडी में HCG हार्मोन बनेगा, तो वो HCG हार्मोन आपकी ब्लड के अंदर भी पाया जा सकता है और आपके यूरिन के अंदर भी वो पाया जा सकता है। तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो उसमें 2 लाइन आएगी यानी कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG लेवल का ही एक तरह से मेजरमेंट होता है और उससे पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं।
तो रफली आपके ओव्यूलेशन के 10 से 12 दिन के बाद आपकी यूरिन में ये एसजी का लेवल पाया जा सकता है। तो आप वहाँ पर ओव्यूलेशन के 10 या 12 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुके है या नहीं। और लास्टली, जैसे ही आपके पीरियड मिस होंगे वैसे आपको पता चल ही जाएगा कभी मेरी डेट मिस हुई है तो इस महीने मुझे प्रेगनेंसी होगी। यानी कि जैसे ही डेट मिस होती है उसके एक या दो दिन में ही आपकी यूपीटी पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन यहाँ पर भी वेरिएशंस है। मैंने जैसे बताया एससीजी हार्मोन जो होता है वो आपकी बॉडी में एक बार बनेगा, उसके बाद हर 24 घंटे में उसकी मात्रा डबल होती जाएगी। तो एससीजी हार्मोन आपकी बॉडी में कितना रहता है इसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी यूपीटी कब पॉजिटिव आती है। कई सारी लेडीज़ ये भी बोलती है कि मुझे पीरियड तो मिस हो गए लेकिन यूपीटी पॉजिटिव नहीं है, मुझे सारे सिम्टम फील हो रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो आप वेट कीजिए, 8 या 10 दिन तक वेट कीजिए, क्योंकि एससीजी हार्मोन का लेवल वेरिएशन होता रहता है, हर एक लेडी में अलग अलग होता है। तो आप 8 या 10 दिन तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप मेंसेस ना आने की कोई भी प्रोसेस करवा सकते हैं, या फिर आप ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से भी पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। और लास्टली, आप सोनोग्राफी से भी पता कर सकते हैं आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। आपके यूट्रस में जेस्टेशनल सेक दिखाई देगी, उसके अंदर बच्चा दिखाई देगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। तो इतने तरीके हैं कि आपको ओव्यूलेशन के बाद कैसे कैसे पता चल सकता है आपको प्रेगनेंसी रुके है या नहीं। यदि इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है आप जब भी प्लान करते हो एक दो महीने में रुक जाएगी। और इसके अलावा भी आपके अंदर ओवेरियन सिस्ट है या PCOD है या फिर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, कोई और भी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो भी आपको स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी रिलेटेड हर इश्यू में बहुत ही अच्छे से काम करती है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का भी सपोर्ट ले सकते हैं और इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा दीजिए। अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहाँ पर जाके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और आप फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।